दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मौलाना के बारे में, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी को एक अच्छी बात टीवी चैनल और किताबों और बयानों के जरिए पहुंचाते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। द नंबर 10 इज मुफ्ती तारिक मसूद। मुफ्ती तारिक मसूद पाकिस्तान कराची में एक रिलीजियस स्कॉलर हैं और ये जामियतुर रशीद में प्रोफेसर हैं। इन्होंने अपनी बयानों से लोगों की ज़िंदगी को तब्दील किया है और उनको एक अच्छी बात पहुंचाई है, और आज इनके यूट्यूब चैनल पर 2 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और द नंबर 9 इज़ मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ाई। 16 मार्च 1972 में पाकिस्तान में पैदा हुए थे। ही इज़ ए पाकिस्तानी इस्लामिक प्रीचर एंड स्कॉलर, और साथ ही वे इदारतुल मुस्तफ़ा के फाउंडर है, और ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पीकर इन पाकिस्तान। एंड द नंबर 8 इज़ अरशद मदनी। अरशद मदनी 1941 में हिंदुस्तान देवबंद में पैदा हुए थे। अरशद मदनी एक मुस्लिम स्कॉलर हैं और मौलाना अरशद मदनी दारुल उलूम देवबंद के मौजूदा प्रिंसिपल यानी सदर हैं, और 8 फरवरी 2006 से वे जामियतुल उलमा हिंद ग्रुप के प्रेसिडेंट यानी सदर हैं। इनके वालिद साहब का नाम हुसैन अहमद मदनी है। और द नंबर 7 इज़ मौलाना साद साहब कांदलवी। मौलाना साद साहब 10 मई 1965 में पैदा हुए थे। ही इज़ एन इंडियन मुस्लिम स्कॉलर एंड प्रीचर। मौलाना साद साहब कांदलवी दिल्ली निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात के अमीर हैं। इन्होंने बहुत से मुल्कों में इस दिन के काम को लेकर मेहनत की है। और द नंबर 6 इज़ मौलाना इलियास कादरी। मौलाना इलियास कादरी को अत्तार के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सूफी बुजुर्ग मुस्लिम स्कॉलर हैं और दावत इस्लामी और गैर सियासी मजहब के फाउंडर लीडर यानी कि रहनुमा हैं, जिसकी मौजूदगी में दुनिया के तकरीबन 200 मुल्क आते हैं। और मौलाना इलियास इज़ अथर ऑफ द फैज़ान सुन्नत। मौलाना इलियास कादरी 12 जुलाई 1950 में पैदा हुए थे। इन्होंने तकरीबन 30 से ज़ायद किताबें लिखी हैं। और द नंबर 5 इज़ मौलाना शाकिर अली नूरी। मौलाना शाकिर अली नूरी इज़ एन इंडियन मुस्लिम स्कॉलर एंड प्रीचर यानी मुबल्लिग हैं, और हाल ही में वे दावत इस्लामी और एक गैर सियासी मजहब के मौजूदा सदर हैं। मौलाना शाकिर अली नूरी साहब 17 मार्च 1960 में गुजरात में पैदा हुए थे। और द नंबर 4 इज़ मोहम्मद ताहिरुल कादरी। मोहम्मद ताहिरुल कादरी 19 फरवरी 1951 में पैदा हुए थे और पुराने सियासतदान भी हैं, जिन्होंने मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल और पाकिस्तानी अवामी तहरीक की बुनियाद रखी है, और वे यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के प्रोफेसर थे। इन्होंने 500 से ज़ायद किताबें भी लिखी हैं। द नंबर 3 इज़ खादिम हुसैन रिजवी। खादिम हुसैन 22 मई 1966 में पाकिस्तान में पैदा हुए थे। ही इज़ ए पाकिस्तानी इस्लामिक स्कॉलर, ऑथर एंड द फाउंडर ऑफ तहरीक लब्बैक। हुसैन रिजवी उर्दू, पंजाबी, अरबी और फारसी में रवानी रखते हैं। इन्होंने बहुत सारी बुक्स यानी किताबें भी लिखी हैं। और द नंबर 2 इज मुकर्रम अहमद। मुफ्ती मुकर्रम अहमद एक हिंदुस्तानी मुस्लिम रिलीजियस और अरबी स्कॉलर हैं। वह अरबी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और हिंदी के स्कॉलर हैं, और PhD मॉडर्न अरबिक लिटरेचर से कंप्लीट की है। और द नंबर 1 इज शाही इमाम अहमद बुखारी। शाही इमाम अहमद बुखारी इज़ द 13th शाही इमाम ऑफ द जामा मस्जिद, यानी कि ये जामा मस्जिद के 13वें इमाम हैं। ये अपने वालिद साहब अब्दुल बुखारी की जानशीन हुए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें।